हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, अबाउट डिवाइस पे जाएंगे तो आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके लिंक वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ से आपको अपना प्राइवेसी नोटिस आ जाएगा, तो प्राइवेसी नोटिस को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्राइवेसी नोटिस इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बैक करेंगे, बैक करने के बाद अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ऑफ कर दीजिए। एक और तरीका है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं, सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑन करेंगे और इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।